नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई के बारे में। आप दुबई का भी एक अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग दुबई जाना आसान होता है, इसलिए लोग जाना चाहते हैं। और दुबई में हालांकि इतने आसानी से ये जॉब अच्छे वाले मिलते नहीं है, लेकिन जितने भी लोग दुबई के नाम से ठगे जाते हैं या किसी भी देश के नाम से ठगे जाते हैं, तो सबसे पहले उनको काम ये नहीं कि आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में हम 35,000 रुपये दिलवा देंगे। नहीं जी, आपको मॉल में, आपको ऑफिस में, आपको सुपर मॉल में, आपको इस तरह के जॉब के नाम से, पैकिंग के जॉब के नाम से लोगों से पैसा ले लिया जाता है। जी अगर आप यूएस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, आपके पास ऑफर लेटर आ रहा है, आपके पास वीज़ा आ रहा है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं वो सही निकले। एक लाइव एग्जांपल के सामने समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड देहरादून की अगर बात करें, तो दीपक कुमार ने एक एजेंट के माध्यम से दुबई के लिए वीजा अप्लाई किया। एजेंट के नाम की बात करें तो अजय शर्मा, दीपक पांडे और नीतू वर्मा। जी हाँ, आजकल लड़कियां बड़ा इंटरेस्टेड हो रही हैं भैया विदेश मामले में, विदेश जॉब के मामले में। देखे ना वही एफआईआर में, पुलिस केस में लड़कियों के नाम आ रहे हैं। इनको पता भी होता है कि हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लगेगा, जेल जाएंगे, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुत्ते को देखा आपने, वो हड्डी उसका, उसको एक चस्का लग जाता है ना हड्डी चूसने का, तो हड्डी चूसता रहता है, उसको अंदर खून आने लगता है, लेकिन उसको लगता है कि खून हड्डी से निकल रहा है। ये कंडीशन इनके साथ होने लग जाती है, एजेंटों के साथ में, क्योंकि ये इनको खून लग जाता है, वो फोकट के पैसे वाले। ये सेम कंडीशन उत्तराखंड में, बंदे को बताया कि तुझे अच्छी जॉब देंगे, सैलरी ऑफिस के जॉब में दुबई के नाम से 35,000 तनख्वाह, और चार्ज भी 35,000 रुपये, यानी एक महीने में जाके बंदा पैसा कमाएगा और पैसा वसूल हो जाएगा, तो बंदा तो खुश हो ही जाता। आपको सबको, आप भी खुश होते होंगे। अगर इंडिया में बात करें तो रोज 1 करोड़ रुपए की ठगी होती है, नो डाउट, और उसमें आप सभी, आप लगभग लोगों का नंबर उसमें आता है, इस बात को मैं मानता हूं, आप मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता। जी हाँ, देखो ऑफर लेटर वगैरह दिया, पैसा दे दिया, उसके बावजूद भी बंदे का कोई काम नहीं हुआ, बंदे ने पैसे मांगे तो मना कर दिया, पुलिस केस आपको पता है होना ही था, पुलिस के एफआईआर करवाई, पुलिस ने देखा सबूत, चार्ज जो भी जांच की तो सबूत मिल गए, सबूत मिलना भाई, जो आदमी पैसा देता है तो सबूत मिल जाता है कहीं ना कहीं। जी हाँ, इसी तरीके से इनके साथियों के और भी इन्होंने पैसे ले रखे थे, बंदे को, इन तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में जेल भेज दिया, कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने भेज दिया इनको जेल। जी हाँ, अब यहाँ पे दो बात निकल के आती है, आप लोग भी ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। दो बातें कि भाई आपने इनको पैसे दिए 35,000-40,000 जो भी हैं, बाद में इन्होंने काम नहीं करवाया, आपने इधर कर दिया मुकदमा, इधर मुकदमा किया तो पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है जी, पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट में डाला, जेल चले गए, आपको क्या मिला? इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या मिला उसमें? आप 35,000 देके आप दुबई जा रहे हैं, 35,000, आप गरीब आदमी, इस बात को मैं मानता हूं, आप पैसे वाले तो नहीं है, पैसे वाले होते तो आप ये झंझट में नहीं पड़ते। अब आपको क्या मिला? आपके 35 के साथ में और भी 10-15,000 रुपए लगते हैं, इस बात को मैं मानता हूं भाई, खर्चा होता है, थाने की तरफ मुंह करोगे ना तो उतना ही खर्चा और हो जाता है आपका, तो आप कितने पैसे के नीचे आ गए? बंदा पैसा दे दिया तो पैसा के, अरे बंदा जेल चला गया तो पैसे किस बात के? तो ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि बंदा जेल चला गया, आपको क्या मिला? ये तो नहीं कि वो उसको पुलिस पकड़ते आपके पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे जी, पैसा समझौता होने से पहले मिल जाता है, एफआईआर हो गई उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दो, आप समझ गए होंगे बात को। दूसरा अल्टरनेट है इसका, ये है ना, ये बुक इसीलिए आप ही लोगों के लिए है भाई, आप खरीद नहीं पाते 1,000 रुपये दे के, एजेंटों को तो 35,000 दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, ये बुक में है, ये बुक अगर आप परचेज करके इसको पढ़ लेते हैं, इसको फॉलो कर लेते हैं, तो वो सब कुछ इसमें दिया गया है, जो वहाँ यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी आपको, समझ रहे हैं? गूगल का मैप देखा आपने, उसको ऑन कर लेते हैं और रास्ता बता देता है अंधेरे में भी कि ऐसे ऐसे चलो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, ये आपका गूगल मैप है। अब आपको इसको मानते नहीं मानते वो आपकी सोच और डिपेंड करता है। बाकी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमेशा मैनपावर ऑफिस में जाने की कोशिश करें, वहां पे ऐसा तो कम से कम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।